हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम सिक्स क्लास का सिक्स चैप्टर करने जा रहे हैं इंग्लिश का, पैक्ट विद द सन बुक से, मंकी एंड द क्रोकोडाइल। ठीक है, इसमें पहले वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू एनहेंस योर नॉलेज। ठीक है, देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट। अनॉयड, नाराज होना। कंटेंट, संतुष्टि। डेलीशियस, स्वादिष्ट। लेडन, लदा हुआ। होस्ट, मेज़बान। ओबिवियस, स्पष्ट या सॉफ्ट, साफ तौर पर भी कह सकते हैं इसको। हिस्ट, सिसकी भरना। ठीक है, कंपेनियन, साथी। डायलेमा, द्विधा। पेस्ट, परेशान। ठीक है, हैश्ड, अंडे सेना। आगे देखिए, ओकेजनली, कभी कभी। बिट्रे, धोखा देना। अब हम क्वेश्चन करेंगे। द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट। ठीक है, वट डिड ही मिस द मंक। देखिए इसमें क्या बताया कि बंदर जो है फल के पेड़ पर खुशी से रह रहा था, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी, उसे क्या कमी थी। इसमें हम देखेंगे, द मंकी लिव्ड हैप्पीली इन द फ्रूट ट्रीज, बट ही हैड नो कंपेनियन, दिस मेड मंकी अनहैप्पी, ही मिस्ड अदर फैलो अराउंड इट। यानी बंदर जो है पेड़ पर खुशी से रह रहा था, लेकिन उसका कोई साथी नहीं था, इस कारण से बंदर खुश नहीं था। ठीक है, क्योंकि वह अपने चारों साथियों की कमी महसूस करता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, यानी कि दोनों मित्र अक्सर क्या बातें करते थे। मंकी एंड क्रोकोडाइल टॉक अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड नियर बाई विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम, यानी कि मगरमच्छ और जो बंदर है अक्सर पक्षियों, जानवरों और पास के गांव वालों की और उनकी समस्याओं के बारे में बातें करते थे। ठीक है, आगे देखिए, वाई वॉज द क्रोकोडाइल वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। वन डे देखिए क्या हुआ कि मगरमच्छ की पत्नी एक दिन उससे क्यों नाराज थी। One day crocodile spent a lot of time with his friends monkey. His wife kept waiting for his return. The baby crocodile also troubled her a lot. These circumstances annoyed with her husband. यानी कि एक दिन मगरमच्छ ने बंदर के साथ काफ़ी समय बिताया, उसकी पत्नी उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी क्योंकि मगरमच्छ का बच्चा उसे तंग कर रहा था, इसलिए वह पति के देर के आने से नाराज थी। ठीक है, आगे देखिए इसमें, Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? मगरमच्छ अपने घर बंदर को क्यों नहीं बुलाना चाहता था। Crocodile wife asked crocodile to invite his friend home because she wanted to eat monkey heart. The crocodile could not kill his friends, therefore he was unwilling to invite his friends home. मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ को अपने मित्र बंदर को घर बुलाने के लिए कहा क्योंकि वह बंदर का दिल खाना चाहती थी। मगरमच्छ अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वह अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए सहमत नहीं था। आगे देखिए, What did the crocodile tell the monkey midstream? मगरमच्छ ने मझधार में पहुंचकर बंदर से क्या कहा। Monkey and crocodile when reached the midstream, the crocodile told monkey that his wife wanted to eat monkey's heart. बंदर और मगरमच्छ जब बीच मझधार पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है। आगे देखिए, How did the monkey save himself? देखिए बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया। The monkey was very clever. He reply to crocodile that he had left his hurt on the tree. He ordered the crocodile to swim back that he might get his hurt. The foolish crocodile was tricked. He carried the monkey back to the river bank. The monkey climbed up the tree and saved his life. यानी कि बंदर बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, और उसने क्या किया कि मगरमच्छ को उत्तर दिया कि वह अपना दिल पेड़ पर छोड़ आया है। उसने उसे कहा कि नदी किनारे वापस चलें ताकि मैं दिल ला सकूं। ठीक है, अब जो बेवकूफ मगरमच्छ था उसकी चाल में फंस गया और नदी किनारे वापस चले गए। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife?
यानी कि इस कहानी का अंतिम वाक्य क्या कहता है, मगरमच्छ अपनी पत्नी से क्या कहेगा। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। इट मीन्स दैट फ्रेंडशिप इज अ टू साइडेड अफेयर्स। वन हु टेक्स फुलिश डिसीजन हैज टू रिपेंट फॉर एवर। नाउ फ्रेंडशिप वॉज फिनिश्ड। क्रोकोडाइल्स वाइफ वुड नॉट गेट नाइदर मंकी हर्ट नॉर स्वीट जूसी फ्रूट्स। यानी कि कहानी का अंतिम वाक्य कहता है कि वह अपनी पत्नी को एक या दो बातें बताने के लिए जल्दी में था। इसका मतलब है कि दोस्ती जो है दो तरफा है। जो कोई मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है उसको पछताना पड़ता है। अब दोस्ती खत्म हो गई थी। मगरमच्छ की पत्नी को अब ना तो बंदर का दिल मिलेगा खाने के लिए और ना ही मीठे रसदार फल मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।